अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रबीका क्विक रेसिपी। क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी बहनों के, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ और अब तो मैं मौसम एंजॉय कर रही हूँ। बड़ी अच्छी सी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, उसमें जो है छोटी छोटी हल्की फुल्की भूख में जो मैं आपके साथ एक बहुत ही मजेदार सी और क्विक रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ, जो रबीका की रेसिपीज हैं। तो जैसे मेरा चैनल का नाम है रबीका क्विक रेसिपी, ऐसे ही मेरी रेसिपीज होती हैं। तो आज मैं आपके साथ लाई हूँ तहरी, जो बहुत से लोग उसको कहते हैं आलू वाले चावल, कोई कहता है कि पीले चावल, और मैं तो ये कहती हूँ येलो राइस। तो हमारे घर में इसको मशहूर है हमारी डिश येलो राइस के नाम से। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तहरी बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप ऑयल। इसमें ऑयल जो है, इसकी ऑयल की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से ऑयली वाले अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है मैं डालूंगी साबुत गरम मसाले, दो बड़ी इलायची डालूंगी, और तीन चार जो है हम लौंग और काली मिर्चे, आपको कितनी डालनी है। इसमें मैं दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी दो तीन, बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं ऐड करिएगा, बस दरमियाने। इसमें डलेगी छोटी इलायची, हल्का सा आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा अपने हाथ से। मैंने इसमें दो छोटी इलायची डाली हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ज़ीरा 1 टेबल स्पून, बस इसको जो है हम लाइट सा सौते करेंगे, बस ये जब तक ये थोड़ा सा ज़ीरा तड़तड़ाने लगेगा, हल्का हल्का सा फ्राई होने शुरू हो जाएगा। इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज, मैंने एक बड़ी प्याज ली है। उसको क्या किया है, बड़ी प्याज को हम अभी डालेंगे पोर्शन करके, हाफ अभी डाल दूंगी मैं और हाफ जो है टमाटर और आलू के साथ डालेंगे, ठीक है। देखिए ज़ीरा हमारा हल्का हल्का सा फ्राई होने शुरू हो गया है, ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है, तो मैं डाल दूंगी, समझेंगे मैंने एक प्याज इसमें डाल दी है और एक प्याज रोक ली है। इसको जो है हल्का सा मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, डार्क ब्राउन नहीं करूंगी मैं इसको। ये जब तक देखें बड़ी अच्छी सी, हमारे घर में हमारे यहाँ सब इसको येलो राइस कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आलू वाले चावल, मगर ये वैसे एक्चुअली में बहुत सिंपल सी और बड़ी अच्छी सी डिश है और बड़ी ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके साथ आप सैलेड और रायते के साथ आप खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगती है, और अचार भी ज़रूर रखें। आज कुछ हैवी बनाने का मूड नहीं था तो हमने कहा कि चलो आज तहरी बनाते हैं, बस हमने फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करी। बस देखें प्याज को जो है हमें बिल्कुल सॉफ्ट करना है, ट्रांसपेरेंट डार्क ब्राउन या गोल्डन कलर में लाना ही नहीं है, बस हल्की हल्की ये ट्रांसपेरेंट होनी शुरू होगी। तो इस पे मैं लहसुन अदरक डालूंगी और फिर स्पाइस ऐड करेंगे। ये लाइट लाइट सी ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो गई है, बस इस स्टेप पे आप जो हैं इसमें लहसुन अदरक यूज करेंगे एक, दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक, बस इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। बहुत ही प्यारी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी कुटी मिर्चें एक, एक भरकर कुटी मिर्चें हम यूज करेंगे। फिर इसमें एक दो छोटे चमचे नमक लेंगे, इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये येलो राइस हैं, तहरी आलू वाले चावल तो ये थोड़े पीले पीले होते हैं, और हम लाल मिर्चें इसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, बस इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी कि मसाला अच्छे से भुन जाए। बस ये देखिए
बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे, हल्का सा चलाएंगे कि मसाले एक साथ घुल मिल जाएं। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ये कि मसाला लगे ना। बस ये मिक्स करेंगे, बस 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ये हल्का हल्का सा ये भुनाई की तरफ आ गया है। बस इसके बाद जो है मैं इसमें डालूंगी, मैंने लिए हैं दरमियाने साइज के आलू, 5 से 6 आलू लिए हैं, इसको छोटे छोटे कट कर लिया है, इसको मैं ऐड करूंगी आलू को। और इसी के साथ जो मैंने बची हुई एक प्याज थी वो, और 2 टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, ये पूरे ऐड कर दूंगी मैं। बस इसको हम मिक्स करेंगे मसाले को। बहुत ही मजेदार तहरी है इसकी, जो रेसिपी है बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको घर में जरूर ट्राई करें। जिस आलू के साथ जो मैंने 1 कच्ची प्याज और 2 टमाटर डाले हैं, ये मैंने लिए हैं आधा किलो चावल के साथ जो तहरी बना रही हूँ उस हिसाब में। आप कम ज्यादा अपने कर सकते हैं, मगर रेसिपी यही फॉलो करिएगा। बस इसको जो है हम गलने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये गलते हैं हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बस देखें इसका पानी खुश्क हो गया है, ये अच्छे से जो है अब इसकी मैं थोड़ी सी भुनाई करूंगी। ये जो प्याज आपको कच्ची कच्ची नजर आ रही है साबे साबे, ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगी। बस ये देखिए, और इसको मैं अच्छी सी इसकी मिक्स करूंगी, अच्छे से भुनाई करूंगी कि सारे मसाले जबरदस्त से भुन जाएं। बड़ी ही अच्छी सी स्मेल आ रही है। इसी के साथ मैं इसमें 3-4 हरी मिर्चें डालूंगी, हरी मिर्चों के साथ इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही कम स्पाइस होते हैं, 3 से 4 स्पाइस हैं, और उसी में ये जबरदस्त सी और चटपटी सी हमारी तहरी बन जाएगी। हमारे घर के जो सारे बच्चे इसको येलो राइस कहते हैं, तो मुझे भी आदत जो है येलो राइस ही कहने की है। देखें बहुत ही मजेदार होती है, हल्की फुल्की भूख में हल्की फुल्की सी तहरी बहुत ही मजा देती है। बस ये इसको मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी कि जो आलूओं की कसर है वो निकल जाए। बस इसमें थोड़ी सी कसर में पक जाएंगे, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी। ये मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया है, इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे, बस इस पे बॉईल आएगा तो हम ऐड करेंगे इसमें चावल। इसमें मुझे थोड़ा सा पानी नमक कम लग रहा था, मैंने मिक्स कर दिया है इस पे। अब मैं इसको ढक दूंगी कि इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाए और आलू भी जो कसर रह गई थी वो भी गल जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बासमती चावल। बस अब मैं इसके जो है कवर खोल के, देखें जबरदस्त सा जो है इसका मसाला तैयार हो गया है। पानी मैंने डाल दिया था, अब मैं इसमें आधा किलो चावल मैंने लिए हैं, उसका पानी ड्रेन करके अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। इसी में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये मेरा बड़ा अच्छा जो है बासमती चावल है, जिससे मैं बिरयानी या ये तहरी बड़े अच्छा खिले खिले चावल और बहुत बड़ा अच्छा चावल बनता है। बस देखें मैंने इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। अच्छा मैं एक और टिप देती हूँ, जो यंग लड़कियां हैं क्या करती हैं, चावल डालने के बाद जोर जोर से चलाती हैं, जोर जोर से नहीं चलाना, और चावल को भी बहुत प्यार से जो है धोना होता है। अगर इसको सख्त हाथों से धोएंगी तो चावल टूटने का खदशा होता है। और देखें पानी डालने के बाद बिल्कुल मैं जो इसकी तली है ना, चमचा तली पे लगा के बस इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, मैं गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ। बस ये मिक्स हो गया है, इसको जो है अब मैं बॉईल आने का इंतजार करूंगी, फिर हम इसको चढ़ा देंगे दम पे। बस देखें इसका पानी खुश्क हो गया है चावल का, बस इसको हल्के से मिक्स करूंगी और ये हल्का सा फैला के इसको हम दम पे रख देंगे, दरमियानी आंच पे, बस दरमियानी आंच पे। उसके बाद हम दम पे हल्की आंच और कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
देखें 15 मिनट के बाद अच्छे से इसका दम बिल्कुल निकल चुका है, राइस बिल्कुल खिले खिले माशाल्लाह आप देख सकते हैं। बस मैं इसको टॉसिंग करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत सा येलो कलर आया है। देखें आलू भी गल चुके हैं। इसको जो है मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जबरदस्त से चटपटे से चटखारेदार हमारी ताहिरी बिल्कुल तैयार है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं कॉलेज से आती थी तो मैं अपनी मम्मा से कहती थी, मम्मा चट से पटी वाली ताहिरी बनाने, तो मम्मा कहती नहीं, हाँ बिल्कुल आपकी चट से पटी वाली ताहिरी बिल्कुल तैयार है। बस देखें जी, हमारी जो है मजेदार सी चट से पटी ताहिरी बिल्कुल रेडी है। आप इसको घर में जरूर ट्राई करें, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन बनती है। हल्की फुल्की भूख में हल्की फुल्की सी ताहिरी हमारी रेडी है। आप बस मेरे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से मजेदार रेसिपीज आपके पास आती रहें। बस रबीका को दें इजाजत कि एक और नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर होंगी। तो बस अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।